नमस्ते, आप सबको स्वागत है हार्ट डिजीज विद डॉक्टर महुआ यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर महुआ रॉय, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम आर एन टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता मुकुंदपुर। आज मैं बात करेंगे, कभी कभी हम लोग जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, बच्चों का हार्ट का जन्म से होने वाला बीमारी का डॉक्टर है, वो सारे डॉक्टर बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऊपर से कोई भी सिम्टम नहीं है, उसी बच्चे पे हार्ट का बड़ा सा सर्जरी लिख देते हैं, नहीं तो माइक्रो सर्जरी लिख देते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, क्यों ये सारे सर्जरी कराएंगे। इसके बारे में मैं बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल देंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लास्ट वीक मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, वो अभी बच्चा नहीं रहा, वो 16 इयर्स का है, वो आया हुआ था कि उसका हार्ट का सर्जरी हुआ है। जब वो मेरे चेम्बर में घुसे तब मैंने पूछा कि मैंने इधर ही हुआ है क्या सर्जरी, तो उसने बोला, उसका पेरेंट्स ने बोला, नहीं इधर नहीं हुआ, हम लोग साउथ से करा के आए हैं। तो दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, दिखा ये कौन सा सर्जरी हुआ है। तो मैंने पेपर निकाल के देखा कि उसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि हार्ट के नीचे के चेंबर के अंदर जो होल है, उसका सर्जरी हुआ है, साथ में एओर्टिक बल्ब रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब स्टील का बल्ब बैठ गया। तो मैंने पूछा कि ये तो नॉर्मली अगर बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का बच्चे को अगर नेग्लेक्ट करके रखा दिया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बाद में जाके ये सब होता है। तो बहुत बाद में क्या डायग्नोसिस हो पाया था, पहले पहले जब बच्चा छोटा था तब क्या डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया था। तो उसका पेरेंट्स ने बोला नहीं मैडम ऐसा नहीं है, 8 साल पहले आप ही ने डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम किए थे आर एन टैगोर हॉस्पिटल में, आप ही ने बोला था, आप ही ने लिख के दिया था। तो मैंने बोला कि क्या मैं समझा नहीं सका, अच्छी तरह से आपको बता नहीं पाया कि ये सब रखने का केस नहीं होता है, तो बाद में आ जाके जो वाल्व रिप्लेसमेंट वाला जो होता है, जो स्टील का वाल्व एक बार बैठ गया तो सारा जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है, तो ये जो नॉर्मल वाल्व होता है जन्म के बाद इस सारे बच्चे को जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, तो VASD का कॉम्प्लिकेशन एक है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ एओर्टिक वाल्व प्रोलैप्स होकर एओर्टिक वाल्व डैमेज हो जाना, जो अगर सही समय पर, मतलब अगर बचपन में पकड़ में आता है, तो ओनली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का क्लोजर से बच्चा ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं शायद समझा नहीं पाया पेरेंट्स को कि बाद में जाके क्या होने वाला है। तब पेरेंट्स बोले नहीं नहीं मैडम ऐसा अभी नहीं है, आपने जैसे ड्रॉ करके, जैसे पिक्चर ड्रॉ करके समझाते हैं, आपने सब कुछ समझा दिया था। तो मैंने मुझे पेपर भी दिखाया, 8 साल पहले वाला पेपर, मेरा ही पेपर, आर एन टैगोर का ही पेपर। तो उसमें मैंने लिख के रखा था कि अभी वाल्व का डैमेज शुरू हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी मैंने लिख के रखा था कि माइक्रो सर्जरी VASD डिवाइस क्लोजर ट्रायल, अगर नहीं होता है तब जाके ओपन हार्ट सर्जरी करके ठीक करने से हो जाएगा वाल्व का डैमेज, हो सकता है अभी तक नहीं हुआ है। तो मैंने बोला तब आप लोग क्यों नहीं कराया है, तो आया ही नहीं इसके बाद। तो बोला कि हम लोगों को लग रहा था बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, क्यों कराए, तो हम लोग डर के मारे और आए ही नहीं। अभी बच्चा का दिक्कत होना शुरू हो गया है, उसको पैल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट धक धक करता है, खेलने में भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग सोचा सबसे अच्छा जगह जाएंगे, तो हम लोग साउथ में गया, तो उन्होंने बोला कि बहुत देर हो चुका है, वाल्व पूरा डैमेज हो गया है, अभी माइक्रो सर्जरी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, अभी तुरंत ही वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग करा के आ गया है। तो ये जो है, इसी के बारे में मैं बताएंगे कि ये जो हार्ट का कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है, इसका जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर टाइम के ऊपर, प्रॉपर टाइम अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे का जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा तब जाके प्रॉपर जिस टाइम जिसका ऑपरेशन होना चाहिए वो हो सकता है। इसीलिए आजकल फिटल इको भी आ गया है, बच्चा माँ के पेट के अंदर है, हम लोग इको करके उसको पकड़ते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ज्यादातर हार्ट का जो प्रॉब्लम इको में, फिटल इको में समझ में आता है, उसका ट्रीटमेंट अभी तक ऐसा नहीं है कि पेट के अंदर ही ट्रीटमेंट कर देंगे, ये हो सकता है, थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग डायग्नोसिस के लिए ही करते हैं कि जन्म के बाद जब सही टाइम होगा इसको उसी टाइम में सर्जरी हो, माइक्रो सर्जरी हो करके उसको ठीक किया जाएगा।
तो यही मैं बताना चाहेंगे सारे पेरेंट्स को कि अगर किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखा है कि इसको सर्जरी चाहिए कि माइक्रो सर्जरी चाहिए, तो उसका सिम्टम नहीं है, ठीक है, आप कोई दूसरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपका बच्चा है, एज ए पेरेंट्स यू कैन टेक अ सेकेंड ओपिनियन, लेकिन घर में बैठे मत रहिए, क्योंकि ये सारे कुछ प्रोटोकॉलाइज्ड होता है, ये रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर मोहा राय को लगता है कि इसको सर्जरी करना है तो ऐसा नहीं होता है, अगर इसको सर्जरी लगेगा तो वो लिखा होता है कि इसका सर्जरी इस टाइम है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होता है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन में, अगर मैं बोल रही हूँ जो प्रॉपरली ट्रेंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल में दो चार सेंटर है जहाँ अच्छी खासा ट्रेनिंग वाला पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है उनके अंडर में, जैसे हम लोगों के अंडर में भी पढ़ने के लिए सारा इंडिया से स्टूडेंट आते हैं 3 ईयर्स पढ़ने के लिए, तो ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम है कि जिसका सर्जरी लगे नहीं लगेगा, खुद बे खुद बंद होगा, इतना ही छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसमें हम लोग सर्जरी लिख देंगे, और ऐसा होने का चांसेस भी कम है कि जिसको सर्जरी लगना था उसको बताया ही नहीं, पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं किया गया कि इसको सर्जरी इन फ्यूचर लग सकता है कि अभी लगेगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। जो छोटा मोटा डिफरेंसेस होता है एक सेंटर से दूसरा सेंटर और एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से दूसरा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, वो होता है कोई कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है डिवाइस क्लोजर में, माइक्रो सर्जरी में, जैसे हम लोग वीएसडी क्लोजर जैसे बहुत डिफिकल्ट एक इंटरवेंशन है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा ही ट्रेंड है, तो हम लोग शायद थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इसको डिवाइस से हो जाएगा, माइक्रो सर्जरी से हो जाएगा, ओपन हार्ट नहीं लगेगा, वही डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई दूसरा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बोले कि इसको ओपन हार्ट का चांसेस ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगेगा उसको सर्जरी बता देना और जिसको लगेगा उसको नहीं बताना, ऐसा बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांसेस वेस्ट बंगाल में कम है। तो आपको अगर किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला है आपके बच्चे को लगेगा सर्जरी और माइक्रो सर्जरी जो भी है, आप डर के मारे 8 ईयर्स तक घर में बैठे रहे, इसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन इतना ऊपर चला गया कि वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकता है, अभी 16 ईयर्स का बच्चा का अभी वाल्व रिप्लेसमेंट हो गया है, तो जब और भी बड़ा होगा इस वाल्व से अगर काम नहीं होता है तो फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिंदगी भर उसको मेडिसिन खाना पड़ेगा जो अवॉइड कर ही सकते थे, तो इतना डर मत जाना कि घर में ही 8 साल बिता देना, ऐसा मत कीजिए, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है तो ले सकते हैं। आपको अगर हार्ट डिजीज के बारे में कुछ और जानना है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में, मुझे लिख सकते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।